निजी स्कूल संचालकों ने सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के प्रवेश देने पर रोष व्यक्त किया है। स्कूल संचालक जिला शिक्षा अधिकारी से मिले और सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के प्रवेश नहीं देने का अनुरोध किया। इधर स्कूल संचालकों ने अलवर न्यूज को बताया कि प्रदेश में यह नियम है कि किसी भी स्कूल में बिना टीसी के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में बेरोक टोक बिना टीसी के ही प्रवेश दिया जा रहा है। निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर नियम नहीं मानने के साथ उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में ये नियम बहुत पहले से ही है कि कोई भी नया बच्चा प्रवेश लेगा तो टीसी के साथ ही प्रवेश लेगा। बिना टीसी आरटी के तहत एफिडेविट के आधार पर केवल वही बच्चा एडमिशन ले सकता है आयु वर्ग के आधार पर जो कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो। वो पहाड़ों पर रहता था, गडरिया था, बाल श्रमिक था, किसी की पारिवारिक परिस्थितियां थी, वो आयु वर्ग के आधार से केवल वो बच्चा एफिडेविट ले सकता है। इस बार अधिकतर सरकारी स्कूल के बच्चों में एफिडेविट से एडमिशन लिए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, नियम के विरुद्ध हैं। हमारे यहाँ सारे डॉक्यूमेंट उनके हमारे पास संधारित हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम इनको लिख के दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा था। पेरेंट्स झूठा एफिडेविट दे रहा है स्कूल वालों की सह से कि मेरा बच्चा कहीं नहीं पढ़ा, हम सबूत पेश कर रहे हैं। हम साहब से निवेदन करने आए हैं कि आप जिले के सबसे उच्च अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, एक ऐसा आदेश निकाल दीजिए कि कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल वाला हो, जो बच्चा पहले कहीं पढ़ चुका उसके बिना टीसी एडमिशन नहीं हो। इसको लेकर साहब ने दो टुक मना कर दिया कि मैं ऐसे आदेश नहीं निकालूंगा, बल्कि हमको धमकी दी है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि मैं राजस्थान के समस्त जिलों के सारे जिलों से सीडीओ के आदेश निकल चुके हैं बिना टीसी के, केवल अलवर जिले के हमारे अधिकारी ने मना किया है हमको, और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे।